छत्रसाल स्टेडियम में जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान सागर राणा की हत्या मामले में फरार चल रहे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के ही मुंडका इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। सुशील के साथ ही उनके साथी अजय को भी गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों 4 मई को देर रात हुई घटना के बाद से फरार चल रही थी। सुशील पर पुलिस ने 1,00,000 रुपए और अजय पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। वहीं मंगलवार को रोहिणी कोर्ट ने सुशील की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। स्पेशल सेल अब इन दोनों को रोहिणी कोर्ट में पेश करेगी। इसके बाद सुशील और अजय को नॉर्थ वेस्ट जिले पुलिस को सौंप दिया जाएगा। स्पेशल सेल को इंस्पेक्टर शिव कुमार, इंस्पेक्टर करमबीर और ACP अतार सिंह लीड कर रहे थे। स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच के अलावा दिल्ली पुलिस की कई टीमों ने पंजाब के भटिंडा, मोहाली समेत कई राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। दिल्ली में भी कई ठिकानों पर दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की थी, लेकिन सुशील हाथ नहीं आए। इससे पहले बीते दिन लगातार सुशील की गिरफ्तारी की अफवाहें उड़ती रहीं। पुलिस के मुताबिक 4 मई की देर रात दिल्ली के मॉडल टाउन थाने के इलाके में सुशील और उसके साथियों ने एक फ्लैट से पहले सागर और उसके दोस्तों को हथियार के बल पर किडनैप किया, फिर छत्रसाल स्टेडियम में ले जाकर उसकी पिटाई की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को स्टेडियम का एक CCTV फुटेज भी हाथ लगा है। इसमें सुशील हॉकी स्टिक से सागर और उसके साथियों को मारते दिख रहे हैं। पुलिस के मुताबिक छत्रसाल स्टेडियम के पार्किंग एरिया में पहलवान के 2 गुटों में झड़प के दौरान फायरिंग भी हुई थी। इसमें पहलवान जख्मी हो गए। इनमें सागर, सोनू, अमित कुमार और 2 अन्य पहलवान शामिल थे। सागर ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वह दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल का बेटा था। बताया जा रहा है कि ये झगड़ा प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हुआ था। सागर उसके साथी जिस घर में रहते थे सुशील उसे खाली करने का दबाव बना रहे थे। पुलिस को घटनास्थल से 5 गाड़ियों के अलावा एक लोडेड डबल बैरल गन और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। दिल्ली पुलिस ने बताया कि वे सुशील कुमार की भूमिका की जांच कर रहे हैं, क्योंकि उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद पुलिस ने सुशील और अन्य आरोपी की तलाश में कई जगहों पर छापेमारी भी की। लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद भी सुशील इस मामले में पुलिस का साथ देने के लिए सामने नहीं आए। सुशील ने 2012 के लंदन ओलंपिक में सिल्वर और बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।